और आरक्षण को लेकर तमाम जो SC ST के जो समाज के लोग हैं वो आज रोडों पर देखिए किस तरह से ये रोड पर निकल आए हैं और कलेक्ट्रेट पर जाकर इनका प्रदर्शन देखिए इन्हीं से बात करना है। ये बताइए क्यों रोडों पर आए हैं, क्या वजह है? ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण की अलग व्यवस्था की है प्रत्यक्ष आरक्षण, हम उसका समर्थन और धन्यवाद करने सुप्रीम कोर्ट का माननीय जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए और हम सुप्रीम कोर्ट से ये के जो आरक्षण की व्यवस्था करिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे उसे तत्काल लागू करा जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। अच्छा, उसी को लेके आप लोग प्रदर्शन जी? हाँ, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो है वो आरक्षण सबके लिए व्यवस्था करी थी, 6,743 जाती है जो है वो आरक्षण में आती है, तो खाली एक वर्ग विशेष को उसका लाभ मिल गया। वाल्मीकि समाज के लिए बनाया गया था, वाल्मीकि समाज को इसका लाभ नहीं मिला है। अब पहली बार 78 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है जिसका हम धन्यवाद करने आज कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से धन्यवाद करने आए हैं तमाम लोग आपके साथ में? जी, आज हम लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि अब तक जो वंचित जातियां थी अनुसूचित जाति के अंदर वो आज तक अपने अधिकारों से महरूम रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है, तो हम निश्चित तौर से ये विश्वास कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के साथ विधानसभा के अंदर भी एक अध्यादेश लाकर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। और क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसका सपना देखा था कि देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए और संविधान लागू होने के बाद जो अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब ने जो व्यवस्था करी थी आरक्षण की वो आज तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुछ जातियां जो थी एक ब्राह्मणवाद की वजह से वो एक समाज के लिए चली गई और आज अनुसूचित जाति के वो जातियां जो वंचित रहीं उसमें बहुत सी जातियां, एक वाल्मीकि समाज नहीं उसमें बहुत सी जातियां, उनको उनका हक और अधिकार नहीं मिले। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है तो हम भी माननीय उनसे उनका धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसको जल्द तत्काल विधानसभा में लाकर उसको जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार का अपना निर्णय स्पष्ट करें और तुरंत उसका अध्यादेश लाकर ये जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो वंचित हैं उनकी समानता के लिए लाकर वो उनको काम करें, क्योंकि सरकार का ये वादा है कि सबका विकास सबका साथ, तो अपने वादे को पूरा करे सरकार। तो क्या माना जाए वादा पूरे नहीं हो रहे अभी? क्या हम चाहेंगे कि हमारा जो अधिकार है वो हमें पूरा हो, तब हम मानते हैं कि ये अधिकार पूरा होगा। जब हम ये कहते हैं, जब सरकार ये कहती है सबका विकास, तो हमारा विकास तो हुआ नहीं, जब हमारा विकास हो जाएगा तब हम मानेंगे कि सरकार अपने वादे पे अटल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश जो लेके आई है हम चाहते हैं कि उसको जो उत्तर प्रदेश सरकार है तत्काल प्रभाव से उसको लागू करे और जो वंचित समाज है जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको लाभ मिल सके, हमारी ये सरकार से मांग है। और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद कर रहे हैं, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक ज्ञापन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को देने जा रहे हैं, उसमें हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से लागू करे। क्या माना जाए कि सरकार लागू करेगी, आपके लिए विश्वास है? अरे बिल्कुल करेगी, जब उत्तर प्रदेश का में मतलब जो वंचित समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, जो अन्य जिनको आरक्षण नहीं मिला जो वंचित समाज है वो सब रोडों पे आएगा, मानना पड़ेगा, सरकार को क्यों नहीं मानेगी? सरकार तो किसका मानेगी? सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश जब हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सरकार को लागू करना चाहिए। नहीं मानेगी तो सरकार का विरोध करेंगे? नहीं, सरकार का विरोध तो सरकार आपके साथ खड़ी, सरकार का विरोध की कोई बात ही नहीं इस वक्त केवल जो एक जाति हमारा सदियों से जो है लाभ ले रही है हमारे लोगों को मिटा के, तो उस चीज का हमें विरोध करना है। ठीक है, अखिलेश भी कह रहा है पीडीए की बात को लेकर लगातार चल रहा है, क्या माना जाए कि इस सरकार में आप लोगों को छोड़ा है या कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पे आप लोगों का आरक्षण? इस सरकार में अब तक जो होता आया वो बाबा साहब के उस संविधान के अनुरूप था, लेकिन जब सरकार में बाबा साहब ने स्वयं ये कहा था कि समतामूलक समाज का, जैसे हमारे प्रिय साथी ने भी कहा, तो समतामूलक समाज तभी स्थापित होगा जब समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिलेगा। इससे पहले भी हम लोग की पृथक आरक्षण की मांग होती रही है और जो मुझे लगता है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी उस मांगों को कहीं ना कहीं नजर में रखा है और हम सबको उसका अधिकार देने की बात की है, हम इसका समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सरकार से कहा है कि जो कि सरकार नहीं सोच पाई, आज सरकार को सोचने में मजबूर किया कि इन वाल्मीकि समाज के और वंचित समाज के जो लोग रहे हैं उनको भी इनका अधिकार मिलना चाहिए, यही हमारी, इसीलिए हम लोग सब लोग आज धन्यवाद देने आए। तमाम सरकार रही 10 साल से भाजपा की सरकार, क्या माना है सरकारों को कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश हुआ है और हम ये चाहते हैं, विशेष तौर से आपसे कहना चाहते हैं, मैं हरि सिंह वरदान, यहाँ जितने भी लोग एकत्रित हैं, हम बहुजन समाज के और विशेष तौर से सभी लोग वाल्मीकि जाति के लोग यहाँ आए हैं और अभी ये शुरुआत है हमारी, अभी तो हम एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने जा रहे हैं जो ज्ञापन सरकार तक पहुँचे और सरकार तक वो ज्ञापन पहुँचे, हमारी मांगे पहुँचे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है उसे तत्काल रूप से सरकार उस आदेश को लागू करे और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज को जो आज तक आरक्षण से वंचित रहा है
जो आज तक केवल फोर्थ क्लास में ही जिसे ढोया जाता रहा है, हमारे समाज को जो और लोग एससी के लोग जो और ऊपर जातियां पढ़ ले गई वो उसका लाभ लेती रही है, बोले उससे अलग किया जाए, विशेष तौर से वाल्मीकि समाज को 10-15% का जो लाभ है वाल्मीकि समाज को सरकार देने का काम करे। अगर हमारी ये मांग सरकार मानती है शालीनता से तो हम सरकार के समर्थन में, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आज हम 50 इकट्ठे हुए, कल 50,000 लोग इकट्ठे होंगे और सरकार का भी विरोध करने में पीछे नहीं रहेंगे। बस 2027 नजदीक है, क्या माना जाए, पीडीए की बात हो रही है कि सरकार मानेगी इस चीज के लिए? नहीं, पीडीए की बात ये माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, उनसे भी ये पूछा जाए कि पीडीए में आखिर उन्होंने जो दलित पिछड़ी जातियों का उसमें बात रखी है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को कितना सम्मान दिया है, इस बात का भी तमाम पार्टियों का जो पीडीए की बात कर रहे हैं उन्हें भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विशेष तौर से दलितों में वाल्मीकि समाज को जो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ की जनसंख्या के रूप में है उन्हें कितना सम्मान दिया गया, कितने विधायक बनाए गए, कितने MLC बनाए गए, कितने राज्यसभा सांसद बनाए गए, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो विपक्ष में बैठते हैं, और सरकारें भी इस बात को देखें कि वाल्मीकि समाज को कितना सम्मान देने का काम किसने किया है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर धन्यवाद करने के लिए ये रोडों पे हैं और कलेक्ट्रेट पे एक ज्ञापन के तहत जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी तो अभी तो पूरा एक समाज का जो तमाम जो ऐसे और समाज के लोग भी हैं SC ST वाले वो भी अब रोडों पर आकर सरकार के खिलाफ भी पहुंचेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए लोग कलेक्ट्रेट के लिए निकले। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।